चरिया के कुजामा एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग में 17 जून को हादसा हो गया। हेवी ब्लास्ट से यहां पत्थरों की बारिश जैसे होने लगी और इस दौरान कई घरों पर भी पत्थर की बारिश हुई। कई लोग इसमें घायल हुए और घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया जिसमें गोलीबारी भी हुई है। घटना के बाद से आउटसोर्सिंग का काम बंद है। कंपनी ने 56 लोगों के खिलाफ काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर FIR कराया है और इस बीच काम बंद होने से 400 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कंपनी का भी दावा है कि अब तक 5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पूर्ति यह शुद्ध रूप से खाना पूर्ति है, मिली भगत है, नूरा कुश्ती है, इसलिए हम लोगों का यह अगर अरेस्टिंग नहीं होता कुना सिंह तो क्या करेंगे? फिर हम लोग आंदोलन में जाएंगे, फिर से हम लोग आंदोलन में जाएंगे। पूर्ति यह शुद्ध रूप से खाना पूर्ति है, मिली भगत है, नूरा कुश्ती है, इसलिए हम लोगों का यह अगर अरेस्टिंग नहीं होता कुना सिंह तो क्या करेंगे? फिर हम लोग आंदोलन में जाएंगे, फिर से हम लोग आंदोलन में